नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं संतोष वर्मा आज आप लोगों को रूबरू करवाने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक से जिसके बारे में जानकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आपका भी सिर फक्र से ऊंचा हो जाएगा। जी हाँ, तो मैं बात करने वाला हूं देश का सबसे पहला इन्फेंट्री म्यूजियम और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम। जी हाँ भाई साहब, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के अंतर्गत महू तहसील के अंबेडकर नगर में यह स्थापित हो रहा है। एंड डेफिनेटली इन्फेंट्री म्यूजियम होता क्या है, विश्व का दूसरा और भारत का सबसे पहला इन्फेंट्री म्यूजियम 2 एकड़ में बनने जा रहा है। 3 मंजिला इमारत होने वाली है और इसके अंतर्गत 1747 से 2020 तक जितने भी युद्ध हुए हैं और इस युद्ध में हमारे वीर जवानों ने किस प्रकार से भाग लिया है, बढ़ चढ़कर उनके शौर्य और बलिदान को इसके अंतर्गत दर्शाया गया है। सर कैसे दर्शाया गया है इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी हाँ, आप मेरे पीछे यहां पर देख सकते हो इस म्यूजियम के अंतर्गत इस प्रकार के इमेजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो यहां पर कुछ 3D प्रिंटर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर 3D प्रिंटर्स की हम लोग बात करें तो इस प्रकार से 3D इमेजेस, भाई 3D इमेजेस आप देखोगे साथ में हाथों से हूबहू इंसानों के स्टेच्यू आपको देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से आप यहां पर देख पा रहे हो कि ये स्टेच्यू सोल्जर किस प्रकार से दीवार में से बाहर निकलते हुए गन का यूज कर रहे हैं, इस प्रकार से ऐसे अग्रेसिव लाइक युद्ध में जो भी एक्टिविटी सोल्जर्स के द्वारा होती है वो तमाम प्रकार की एक्टिविटी आपको इस म्यूजियम में देखने को मिलेगी। इस म्यूजियम में एक दिन में 100 लोगों को जाने की अनुमति है और 100 में से 40-40 का स्लॉट एक बार में अंदर भेजा जाएगा। एक व्यक्ति को पूरा म्यूजियम घूमने में लगभग 2.5 घंटे का समय लगने वाला है, ठीक है ना। और देखो अंदर आपको बताने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार से ये स्टेच्यू, ये हाथों से बना हुआ स्टेच्यू है, हूबहू इंसानों का स्टेच्यू, सोल्जर्स का स्टेच्यू, भाई किस प्रकार की एक्टिविटी होती है तमाम इस म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा। इन्फेंट्री म्यूजियम यानी कि स्टेच्यू एंड 3D इमेजेस सभी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। और जैसे कि मैंने कहा था 1747 से 2020 तक जो भी एक्टिविटी हुई है युद्ध में वो तमाम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो यहां पर किस प्रकार सोल्जर युद्ध करते हैं, सारी एक्टिविटी एज इट इज आपको इस म्यूजियम में देखने को मिलने वाली है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो अंग्रेजों और ये हमारे भारतीय जवानों, वीर जवानों के मध्य में जो युद्ध हो रहा है, ठीक है। और यहां पर परम वीर चक्र विनर्स के भी 3D इमेजेस में इन्हें यहां पर शो किया हुआ इस म्यूजियम में, ठीक है। इस प्रकार के तमाम एक्टिविटी आपको इस म्यूजियम में देखने को मिलेगी। अब मैंने मेन बात क्या कही है कि सर विश्व का दूसरा और देश का सबसे पहला इन्फेंट्री म्यूजियम, तो विश्व का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहां पर हमें देखने को मिलेगा। भाई इन्फेंट्री सेम कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, हालांकि फर्स्ट वाला कहां पर है, अमेरिका में कोलंबस के जॉर्जिया में आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर उनके युद्ध के समय जो भी एक्टिविटी हुई थी वो उस म्यूजियम में शो किया गया है। लेकिन हमारे यहां पर इंडिया में जिन वीर जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है उनके शौर्य और बलिदान को इसके अंतर्गत दर्शाया गया है। और यहां पर देखने के पर्पस, भाई इन चीजों को दिखाने का पर्पस क्या होता है कि जब आप इस म्यूजियम में जाओगे, जब आप इन सारी चीजों को देखोगे, इससे एक बात यह भी क्लियर होती है कि कहीं ना कहीं अभी वर्तमान समय में हमारे वीर जवान जो कि बॉर्डर्स पर तैनात है, लड़ रहे हैं, तो इन एक्टिविटीज को यहां पर देखने के परिणाम स्वरूप हमारे मन में उनके प्रति ये रिस्पेक्ट जागना बहुत जरूरी है कि वाकई में आज वो वहां पर खड़े हैं तो हम यहां पर शांति से बैठे हैं, अपने कार्य कर रहे हैं, रात को शांति से सोते हैं, इसलिए उनके प्रति हमारे दिल और दिमाग में उनकी रिस्पेक्ट कभी कम नहीं होनी चाहिए। ये बात भी कहीं ना कहीं हमें दिल से माननी पड़ेगी, अपनानी पड़ेगी। तो ये चीजें भी आप जब इस इन्फेंट्री म्यूजियम को घूमोगे तब आपको रियलाइज होगी, ठीक है। तो देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम। सो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।